हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग सेशन 83 का डू इट योर सेल्फ बनाने का प्रयास करते हैं। अटेम्प्ट 3 है, रिज्यूम पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। ओपन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड सेव इट ऑन योर डेस्कटॉप विद द नेम एनिमेटेड ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग फाइल टाइप सेव है। क्या करना है, एक पावर पॉइंट को ऑन करना है। मैंने ऑलरेडी पावर पॉइंट को टास्क बार में पिन करके रखा है और इसे ऑन कर लेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। इसे क्या करना है, सेव करना है एनिमेटेड ग्रीटिंग कार्ड के नाम से। चलिए यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे और फाइल टाइप में आएंगे और सेव एज पे आएंगे। डेस्कटॉप को चूज करेंगे और इसमें फिल करना है ग्रीटिंग कार्ड। इसे सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ ऑलरेडी इस नाम से सबमिट है, यस करेंगे, करेक्शन हो जाएगी उसमें। सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। ओपन अ ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए फिर से एक ब्लैंक पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं। एंड चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द स्लाइड यूजिंग डिजाइन टैब, कस्टमाइज ग्रुप, स्लाइड साइज, कस्टमाइज स्लाइड साइज। द स्लाइड साइज विंडो ओपन, सेलेक्ट स्लाइड पोर्ट्रेट, क्लिक ओके। क्या करना है, सबसे पहले इसे स्लाइड का साइज चेंज करना है। तो डिजाइन टैब में आएंगे और स्लाइड साइज पे आएंगे, कस्टमाइज स्लाइड साइज पे आएंगे और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ओरिएंटेशन में लैंडस्केप करना है। ठीक है, से ऑलरेडी है, सॉरी पोर्ट्रेट पे करना है। यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अनस्वेयर फिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओपन अ ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए एक ब्लैंक पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं पहले। एंड चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड टू ब्लैंक यूजिंग होम टैब, स्लाइड ग्रुप, लेआउट। और क्या करना है, होम टैब के लेआउट ग्रुप से क्या करना है, सॉरी स्लाइड ग्रुप से लेआउट टूल्स का प्रयोग करके इसे ब्लैंक करना है। जैसे ब्लैंक कर देंगे आप, सबमिट करेंगे इसे। इस प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओपन अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस इन इट यूजिंग इंसर्ट अ इलस्ट्रेशन ग्रुप पिक्चर्स। सेव द डॉक्यूमेंट्स ऑन योर डेस्कटॉप एज ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग फाइल टैब। नाउ ओपन अ ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इंसर्ट अ सेव वर्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पावर पॉइंट को ऑन करेंगे और इसे क्या करना है, इसके अंदर, इस पावर पॉइंट के अंदर एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑन करना है। तो इंसर्ट टैब में आएंगे और टेक्स्ट ग्रुप्स के ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करना है, वर्ड एप्लीकेशन को ऑन करना है। यहाँ से स्क्रॉल को डाउन करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं, ये आपका वर्ड पैड है, मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। और इसमें क्या करना है, अब इसके अंदर आपको एक इमेज को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट ऐप पे आएंगे, पिक्चर पे आएंगे और यहाँ से एक पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और क्या करना है, इसे सबमिट करना है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन फोर्थ नंबर सॉल्व हुआ। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओपन अ ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इंसर्ट अ सर्किल शेप इन अ यूजिंग इंसर्ट अ इलस्ट्रेशन ग्रुप शेप्स। अप्लाई बॉन्ड्स एनिमेशन इफेक्ट टू इट यूजिंग एनिमेशन टैब, एनिमेशन ग्रुप। सबसे पहले तो ये मैंने जो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला है, तो इसे मैं कट कर लूँगा। और फिर से क्या करेंगे, एक ब्लैंक पावर पॉइंट को ऑन कर लेंगे और यहाँ से क्या करना है, एक शेप्स को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट टैब में आएंगे,
एलिस्ट्रेशंस ग्रुप में शेप पे आएंगे और एक शेप्स को इंसर्ट कर लेंगे। और इसमें क्या लगाना है, एनिमेशन लगाना। तो सबसे पहले एनिमेशन टैब पे आएंगे और यहाँ से आपको बाउंस लगा देना है, एनिमेशन अनसेल करेंगे और सबमिट करेंगे। ये कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओपन अ लोन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए सबसे पहले एक पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं। यहाँ से लोन करना है, ये रहा आपका लोन, क्लिक करेंगे। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आई क्या कर रहा है, एंड सेव इट ऑन योर डेस्कटॉप इन पावर पॉइंट शो फॉर्मेट यूजिंग फाइल टाइप सेव एज इन अ सेव एज टाइप, सेलेक्ट पावर पॉइंट शो एंड क्लिक ओके। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, यहाँ से इसे ऑन करेंगे। क्या लोन थीम्स में भी आ सकते हैं, यहाँ से भी लोन थीम्स को कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वहाँ से कर चुका है, थीम्स भी कर लेते हैं। और फाइल टाइप में आएंगे, यहाँ से सेव एज पे आएंगे और डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से क्या करना है, साइज इसका जो है ना, इसका आपका होना चाहिए शो में, होना चाहिए पावर पॉइंट शो में, फॉर्मेट चूज करेंगे। और यहाँ से क्या करना है, इसका नाम डालना है, आप नाम इसका डाल सकते हैं, आप अपने अनुसार डाल देंगे, या आप इसमें पावर पॉइंट शो के नाम से भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर इसका फॉर्मेट आपको चेंज करना होगा, जैसे मैंने यहाँ से नीचे चेंज किया इसका, और सेव पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओपन अ ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए एक पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं। यूजिंग विंडोज स्टार्ट बटन एंड सेट द स्लाइड साइज विद, क्या करना है, इसे पावर स्टार्ट बटन से ऑन करना है। तो मैंने स्टार्ट बटन से नहीं किया, यहाँ पे मैंने पिन किया था, यहीं से ऑन कर लिया है। इसे क्या करना है, साइज विद 15.03 सेंटीमीटर एज हाइट एंड 18.05 सेंटीमीटर एज विड्थ यूजिंग डिजाइन टाइप कस्टमाइज ग्रुप स्लाइड साइज, कस्टमाइज स्लाइड साइज, इंटर द वैल्यू एंड क्लिक ओके। अब क्या करना है, इसमें डिजाइन टैब में आएंगे और इस स्लाइड का हाइट और विड्थ का वैल्यू चेंज करना है। चलिए यहाँ से आते हैं, कस्टमाइज स्लाइड साइज पे आएंगे और यहाँ से क्या करना है, यहाँ विड्थ पे इसका वैल्यू कितनी है, तो 80.05, और आपका हाइट की वैल्यू कितनी है, तो 15.03, और यहाँ से ओके करेंगे, इंस्पायर फिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। ओपन अ ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए फिर से एक पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं। यूजिंग विंडोज स्टार्ट बटन इंसर्ट द स्मॉल रेक्टेंगल शेप एंड कॉपी इट यूजिंग राइट क्लिक कॉपी, नाउ पेस्ट द कॉपीड शेप ऑन द स्लाइड यूजिंग राइट क्लिक पेस्ट ऑप्शन यूजिंग डिस्क्रिप्शन थीम। अब क्या करना है, इसमें एक पावर पॉइंट से ऑन करके और इसमें क्या करना है, एक शेप को इंसर्ट करना है। तो फाइल इंसर्ट टैब में आएंगे और शेप पे आएंगे और यहाँ से एक क्या करना है, रेक्टेंगल को ऑन करना है और इसे राइट क्लिक करके क्या करना है, कॉपी करना है, और फिर से राइट क्लिक करके क्या करना है, इसे पेस्ट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम पेस्ट कर लेते हैं। ये रहा यूजिंग डिस्क्रिप्शन थीम्स, क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओपन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूजिंग विंडोज स्टार्ट बटन। चलिए यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं, पिन किए हैं ऑलरेडी। इंटर द टेक्स्ट, थैंक्स फॉर कॉर्डिंग वेज, इसे पर क्या कर लेंगे, प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं, सेलेक्ट भी कर लेते हैं, आप इसे टाइप भी कर सकते हैं, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड अप्लाई गोल्ड एसेंट फॉर डायरेक्ट 25%
फॉन्ट कलर टू इट यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप। अब होम टैब के फॉन्ट ग्रुप पे आना है और यहाँ से क्या करना है, फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है गोल्ड एसेंट 4, है ना। ये रहा, क्लिक करेंगे, अनसेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओपन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फिर से पावर पॉइंट ऑन करना है, चलिए ऑन कर लेते हैं। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ यूजिंग फाइल टाइप एक्सपोर्ट, क्रिएट पीडीएफ, इंटर द फाइल नेम ऑफ योर चॉइस इन द ओपन विंडोज एंड क्लिक पब्लिश। क्या करना है, इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। फाइल टाइप में आएंगे, एक्सपोर्ट में आएंगे, क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और इसमें आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें नाम को फिल करेंगे। चलिए मैंने अनिकेत लिख दिया और पब्लिश पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इंड करने के लिए यस आई एम पे क्लिक करेंगे, इंड एग्जाम को इस टेक्स्ट बॉक्स में फिल करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे जब तक कि ओके विंडो हाईलाइट ना हो जाए। चलिए ओके पे क्लिक करेंगे। अटेम्प्ट थर्ड था, 10 में 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।